टाइट के उसे नहीं टाइट होता है क्या सर? नहीं होता है। और इसका एक पॉइंट और भी होता है क्या, जैसे अगर इसको मतलब स्लोप से, अगर स्लोप में हो तो अगर बैलेंस करना हो तो इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा वर्नियर स्केल है, इसमें क्या दिखती है रीडिंग, कौन सी हॉरिजॉन्टल वाली। और तुम्हारा इसका एक और है, ये है बबल ट्यूब, इसकी ये वाली होगी बबल ट्यूब। ये तुम्हारा आई पीस, ठीक है, हाँ वो भी बता रहा हूँ। ये तुम्हारा टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है। और ये वाला जो है ना, ये वाला बबल ट्यूब वर्टिकल एंगल्स के लिए होता है। और यहाँ पे एक ये, हाँ ये वाली जो ये स्केल है, इससे क्या देखते हैं वर्टिकल एंगल, और इससे वाले से हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। इसमें सबसे पहले क्या पॉइंट करना पड़ता है, सबसे पहले इसको इसको लेवल करना पड़ता है, ठीक है, कि तीनों जो टांगों का डिस्टेंस है वो एक ही साइड का हो। और वो कैसे होगा, वो यहाँ से हम जब प्लम्ब अप एक छोड़ेंगे नीचे तो एक पॉइंट आ जाएगा, जब वो जिस पॉइंट पर जाके गिरेगा ना, स्टेशन को हम मार्क कर लेंगे, वहाँ पे कोई भी निशान मतलब कोई भी रख लेंगे जो भी है पैक्स वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसका वो ये सेट हो जाएगा। ठीक है, सेट होने के बाद फिर क्या करना है अपने को, इसको सेंटर में लाना होता है बबल ट्यूब को। अच्छा, वो जो एयर है सर वो बीच में आना चाहिए। हाँ, ये जो है ये अपर स्क्रू है, इसे क्या होता है देखो, अभी ये टेलीस्कोप चल रहा है, अभी देखना इसको मैं टाइट कर दूंगा तो नहीं घूमेगा ये। इतना बहुत है, जब हमारी टेम्परेरी रीडिंग फिक्स हो जाए तो फिर हम परमानेंट पे आते हैं। तो ये इसका ये है, इसको यूं कर दोगे तो ये नहीं घूमेगा इस साइड से। और ये चीज, हाँ यही तो मैं बोल रहा था, ये यहाँ से देखते हैं ना, तो यहाँ से नीचे देखो, देखो यहाँ से नीचे दिखेगा तुम्हें प्रिज्म, देखो आप रखे इसको प्रकाश को देखने दो, वन बाय वन सब आ जाना, ठीक है इसको। सुनो सुनो, देखने का तरीका, देखने का तरीका बता रहा हूँ, ये तुम्हारा जैसे ये है ना, इसको छूना, इसको सर वो उतर गया, वो उस साइड चला गया। यस सर, उसको इधर कीजिए ना, टर्न ऑफ लो के उतर घुमाओ, अब इसको टाइट कीजिए। रुको रुको रुको, इसको साइड करते हैं ना, इसको खोलेंगे वहां से कर लेंगे सर, उसको है इतना सारा है कि कंफ्यूज हो जाता है सर। यहां से जो हम देख रहे हैं, लेट्स डू द टाइट, रुक जा रुक जा सर, टाइट कर उसको, ये नहीं हो रहा है, ये 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 क्या सर, ये इसको टाइट करने के लिए नहीं, कहां घूम रहे हैं, स्क्रू बोलते हैं इन सबको, ठीक है। अब देखने का तरीका क्या है कि तुम्हें इंस्ट्रूमेंट के साथ हाथ नहीं लगाना है, ठीक है, अपने हाथ ऐसे पीछे रहो थोड़ा सा, ऐसे ऐसे इस बिल्कुल, अगर जरा सा भी हाथ लगाओगे ना होगा कुछ नहीं, बट ऐसा कहा जाता है कि मतलब रीडिंग रीडिंग यहाँ से देख रहे हो तो यहाँ रहा है, यहाँ से देख रहे हो तो इधर से ना दिख रहा है, यहाँ से नीचे का दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, एक आंख से देख रहे हो। अच्छा, अंदर में प्रिज्म लगा हुआ है ना, थोड़ी सी दिख रहा है, अरे स्क्वायर दिख रहा है, प्लस का साइन दिख रहा है, इसका तो पैर दिख रहा है, ये व्हाइट वाला इसका हाथ दिख रहा है, हाथ दिख रहा है, सर तो दिख रहा है नीचे से, इसका शूज दिख रहा है, यस सर, सब लोग देख रहे हैं जी सर, रुको जरा मेरे को देखने दो क्या है सेंटरिंग में, सेंटरिंग यहाँ पे है, कंपास सिर्फ क्या बताता है, दोनों का ठीक है, इसका लेवल हो गया सर, लेवल कर दिए बबल टिप वो सब उसी में दिखे, जो सर निकालेंगे और फिगर निकालेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंगल कैसे निकलेगा इसको रीडिंग, ओए मेरा ले लूं मैं फोटो अभी, वो हॉरिजॉन्टल एंगल कैसे निकलेगा कि उस वर्नियर स्केल से रीडिंग पढ़ के, ठीक है, वो जब तक रीडिंग पढ़नी नहीं आएगी तब तक कुछ पता नहीं चलेगा, नहीं आता, हाँ देख लो पहले।